कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत के साथ होंगे अगर लाइफ का कोई डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है तो सब्र और हौसला रखें इन ताला सब ठीक हो जाएगा तो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं एक पानी के ग्लास के साथ तो एक सेहतमंद बॉडी से बनता है सेहतमंद माइंड और सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप सेहतमंद हैं तभी आप दूसरी चीज़ों को इंजॉय कर पाएंगे पानी जो है टॉक्सिक एलिमेंट को बाहर निकालता है मॉर्निंग में पानी पीने पीने से बॉडी की बेहतरीन सफाई होती है है पानी पीने से स्ट्रेस भी कम होता है। और वैसे भी सात आठ घंटे हम रात को सोए रहते हैं तो बॉडी जो है हमारी डिहाइड्रेट रहती है तो ऐसे में मॉर्निंग में हम कोई ले तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत होता है। तो लाजमी आप पानी को अपनी डेली रूटीन में सात से आठ ज़रूर पिया करें आज का व्लॉग ना मैंने ग्यारह बारह के आज हम बना रहे थे बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं था कि आज लंच में क्या बनेगा लेकिन मुझे लगता है कि हर घर की प्रॉब्लम है कि आज क्या पकेगा हर घर में डिस्कस होता है दो लोग एक चीज से एग्री होते हैं और दो लोग कहते हैं हम ये बिल्कुल नहीं खाने वाले तो इसी चीज़ को लेकर आज हमारे घर में भी बहस चलती रही तो इनको बनाने और साफ़ करने में टाइम इतना लग गया तो सॉरी मैं आपके साथ इसकी रेसिपी मुकम्मल शेयर नहीं कर पाई लेकिन मैं आपको बता ज़रूर देती हूँ अगर आपको पसंद आए तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा तो मैंने पाए के धोने के लिए सबसे पहले लहसन पेस्ट पानी के अंदर नीम गर्म पानी के अंदर डालकर पाए जो है इसके अंदर थोड़ी देर के लिए डिप कर दिए थे पाँच से सात मिनट के लिए इससे जो अजीब सी स्मेल आ रही होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और फिर गर्म पानी के साथ मैंने इनको अच्छी तरह से साफ कर लिया और फिर प्रेशर कुकर में डाल दिया दो लीटर के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था और फिर मैंने इसके अंदर हाफ़ चम्मच सौंफ हाफ चम्मच मैंने सूखा धनिया डाल दिया एक बड़ी इलायची डाली थी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और एक मीडियम साइज़ का प्याज़ और कुटी लाल मिर्च नमक हल्दी और साबुत काली मिर्च जो है वो मैंने इसके अंदर डाली और दो से तीन लौंग डाल दिए थे फिर मैंने इनको प्रेशर लगा दिया पैंतालीस मिनट तक ये पकते रहे फिर मैंने यखनी कोलीहदा छान कर सेपरेट कर लिया और जो पाए हैं इनको दो से तीन चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के मैंने इसकी बुनाई कर ली इसके अंदर ना खुद से ही बहुत ज़्यादा ऑयल होता है तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ऑयल डालने की जरूरत होती है तो सात से आठ मिनट अच्छी तरह से इसकी बुनाई की फिर जितनी यखनी थी वो इसके अंदर मैंने डाल दी और फिर थोड़ा सा और पानी डाल दिया था और फिर मैंने दस से पंद्रह मिनट इसको पकने के लिए रख दिया बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर और फिर इसके बाद मैंने अदरक बड़ी जुलियन कटी हुई इसके अंदर डाल दी सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया डाल के पीसा गर्म मसाला डाल के ये हमारा डन हो गया और दूसरी साइड पे मैं गुड़ वाली चाय भी बना रही हूँ इसकी रेसिपी भी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी स्पेशली विंटर्स में ये इतनी कोई मज़े की लगती है ना तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो ये ना एक्चुअली में हमारा लंच और जो ब्रेकफास्ट है ना वो दोनों इकट्ठे ही हो रहे थे इसलिए फिर मैंने साथ में चाय भी बना ली तो चाय के लिए मैंने सबसे पहले गुड़ को ग्रेट कर लिया जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने इसको ग्रेट कर लिया तो इसको सबसे पहले बनाने के लिए मैंने हाफ़ कप पानी लिया और इसके अंदर मैंने सौंफ और एक सबज़ इलायची शामिल कर दी थी और चाय वाली पत्ती जो घर में हम यूज़ करते हैं वो इसके अंदर शामिल कर दी और गुड़ मैंने इसके अंदर डाल दिया जो ग्रेट किया हुआ था तो इसको दो से तीन मिनट मैंने अच्छी तरह से पकने दिया और फिर बस इसके अंदर मैंने दूध शामिल कर दिया और तेज़ मैंने आंच कर दी थी और इसको फिर खूब दो तीन मिनट मैंने फेंटा और बहुत मजे की हमारी चाय बन गई बस फिर इसके बाद मैंने साथ में गरम गरम नान मंगवा ली और हमने इनको इन्जॉय किया लेकिन आमना और लाइबा को पाए बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसलिए आप यकीन जाने कि गैस भी बंद हो चुकी थी तो आमना ने सिलेंडर के ऊपर अपने लिए ऑमलेट बनाया और उसने नान के साथ खाया और लाइबा ने जो लैक्ट्रावर चावल पड़े थे फ्रिज में वो गर्म करके साथ में खाए आप देखिए ज़रा बच्चों के काम के बच्चों को पता ही नहीं होता वो खाते नहीं हैं बस उनका अपना माइंड है कि हमने खाने नहीं ये नहीं जानते कि टेस्ट किस तरह हम ज़रा एक बाइट लेके देख तो लें लेकिन मर्जी के मालिक है सो इसके बाद फिर जब गैस आना स्टार्ट हुई तो आमना कहती मैं अपने लिए चिप्स बना रही हूँ तो वह देखें जरा अपने लिए कैसे चिप्स बना रही है फिर मैंने शाम को ना जल्दी से खाना बना लिया मैंने कहा बच्चों ने दोपहर को भी अच्छे तरीके से खाया नहीं है तो दाल बना लेते हैं लाइट सी भी है और ये खुश हो गए फिर खा भी लेंगे तो मैंने मूँगी मसर की दाल बनाई सबसे पहले मैंने इसको धो के भिगो दिया था जो बिगनर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है मैं जानती हूँ कि आप सबको आती है ये इतनी आसान सी होती है लेकिन कभी कभार बिगनर्स भी हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है तो मूँगी मसर की दाल को मैंने अच्छी तरह से वाश करके धो के अब उसके अंदर प्रेशर के अंदर डाल दूंगी साथ में एक डेढ़ लीटर के करीब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था साथ में मैंने इसके अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच ऐड कर दिया और सब्ज़ मिर्च मैंने इसके अंदर डाल ली थी नमक मिर्च हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने एक चम्मच इसके अंदर डाल के एक नोर क्यूब डाल दिया और इसको मैंने बंद कर दिया पाँच से दस दस से पंद्रह मिनट में ये डन हो जाती है बहुत जल्दी से ये गल जाती है और इसके साथ मैं बाकी की इसकी प्रप्रेशन भी कर लूँगी हमारी लाइफ में ना दो तरह के रिश्ते होते हैं एक वो जिनको आपके जवाब की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो आप पर इतना ट्रस्ट करते हैं आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी आप करें ना वो आपको कभी भी जज नहीं करेंगे कोई और भी उनके पास जाकर आपके बारे में नेगेटिव बोलेगा ना तब भी वो आपके बारे में डॉट नहीं बोलेंगे और ये रिश्ते बहुत वैल्यूएबल होते हैं जो आपकी ज़िंदगी के हर परेशानी में हर दुख में हर तकलीफ़ में आपके साथ खड़े हुए तो असल में यही वो रिश्ते होते हैं तो इनकी बहुत कदर कीजिएगा इन्हें कभी भी खोइएगा मत और दूसरे रिश्ते वो होते हैं जिनको आपको जवाब देने की कोई भी जरूरत नहीं होती क्योंकि आप जितना भी किसी चीज़ के बारे में उनको एक्सप्लेन करेंगे ना वो कभी भी आप पे बिलीव नहीं करेंगे ना तो जिंदगी के किसी भी मोड़ में किसी परेशानी में वो आपके साथ खड़े होंगे तो उन पर टाइम और एनर्जी ज़ाया करने की कोई भी ज़रूरत नहीं वो जैसे हैं उनको उनके हाल पर ही रहने दें और अपनी असलाह ज़रूर करते रहें कभी भी किसी काम में अगर आपको डिसीजन लेना पड़े ना और डिसीजन एक तरफ हो पैसा और दूसरी करेक्टर तो आपने हमेशा करैक्टर को ही टिक लगानी है फैसला हमेशा ईमान की बुनियाद पे करना है और हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट बनना है क्योंकि लोग सेल्फ डिपेंडेंट खुददार बंदे को ही पसंद करते हैं आप गरीब हैं कोई बात नहीं है लेकिन खुददार होना ज़रूरी है तो मैंने कहा कि चलो साथ में गाजर का हलवा भी बना लेते हैं सर्दियाँ तो बहुत अच्छा होता है और बच्चे खुश हो गए खाते भी और हेल्दी भी होता है तो इसके लिए मैंने इस तरह गाजर को साफ़ करके बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया ये आहिस्ता आहिस्ता गलती जाएंगी और एक्चुअल में ये एक हैक है लेकिन बहुत अच्छी रही मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया था आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप अगर इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे ना तो और ही ज़्यादा बहुत आसानी हो जाएगी और साथ में मेरी दाल जो है वो भी पक चुकी थी इसको मैं तड़का लगा लेती और साथ में मैं रोटियां भी बना लूंगी तो गाजर को मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया और इधर मैं रोटियां बना लूँगी साथ साथ में मैं बनाती गई और बच्चे बड़े मज़े से खाते भी गए और ये ना कटोरियों में डाल के चम्मच के साथ खाते इतनी इनको पसंद आती है दाल और ये प्रॉब्लम तो मेरी बड़ी इजी हो जाती है कि बच्चे बड़े खुश हो के दाल जो भी बना लो तो खुश हो के खा लेते हैं फिर इसमें कोई नहीं किसी का नखरा होता कि हमने ये खानी है या नहीं खानी सो मैंने साथ में देसी घी भी रोटियों को लगाती हूँ कभी जो वेजिटेबल्स बनाई हों तो उनके साथ भी

कब मैंने इसके अंदर ड्राई मिल्क पाउडर डाल दिया और ड्राई फ्रूट्स डाले देसी घी डाल के मैंने इसकी बहुत अच्छे से बुनाई की और बहुत आसानी होगी इस तरह मैंने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया लेकिन बहुत अच्छा हलवा मज़ेदार बना था और बस आज का था व्लॉग यहीं तक पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और आप मुझे इंस्टा और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और रखिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा जिंदगी और सहित रही तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज टेक केयर बाय एंड स्टे हेल्थी